मौर्या जी, श्री असीम अरुण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री अनूप प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अरुण सागर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री मधुरेश कटेरिया जी, माननीय विधायकगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, उन सभी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज के सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहाँ पर बता करके उन्होंने लाभान्वित किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक ऐसा भारत जिसमें जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ सबके विकास की भावना के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके के लिए सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के पूरे अवसर है, उसके लिए उस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। याद करिए, हम तो विचार प्रवाह के कार्यकर्ता हैं, जिस विचार प्रवाह को संजीवनी प्रदान की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आर्थिक विकास का पैमाना ऊंची सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से नहीं
सेवा करते हैं तो ये अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन पूर्वजों ने कभी वेद की ऋचाओं को रच करके हमारा मार्गदर्शन किया था, जिन पूर्वजों ने कभी रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमें देकर के भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया था, जिन पूर्वजों ने कभी श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ हमें देकर के हम सबके लिए एक नई प्रेरणा प्रकाश का पुंज देकर के आगे बढ़ाया था, इसके माध्यम से हम अपने उन पूर्वजों के प्रति जिसमें संत रविदास जैसे महापुरुष है, जिन लोगों की प्रेरणा से समाज ने भक्ति के माध्यम से शक्ति की एक नई धारा का प्रवाह किया, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जब हम अनुसूचित समाज की सेवा के लिए कोई कार्यक्रम मनाते हैं तो भाइयों बहनों तब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान देकर के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एक बार के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। भाइयों बहनों आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जाने का चाहे वह शौचालय देने के कार्यक्रम हो, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, चाहे वह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य, कनेक्शन देने का कार्य हो, या फिर 3 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के सौभाग्य योजना के कार्यक्रम, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, या फिर भाइयों बहनों प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से कोरोना काल मंडल में देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की बात, आज कोई व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को राशन मिल सके, हर परिवार को अपना आवास मिल सके, पढ़ाई के साथ साथ सफाई की व्यवस्था हो सके और फिर कमाई के साथ साथ उसको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा भी प्राप्त हो सके, ये सभी योजनाएं एक साथ चल रही हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर के आज उत्तर प्रदेश में भी जब हमको 1,91,00,000 बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में यूनिफॉर्म, बैग, बुक, सूट, सॉक्स, स्वेटर ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं तो ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की सुविधा के साथ जोड़ने का ही एक अभिनव प्रयास होता है। ये वही प्रयास है जिसके माध्यम से समाज को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का एक प्रयास, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो या फिर परंपरागत उद्यम में वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में जिस कार्यक्रम को लेकर के समाज आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में और लोकल फॉर ग्लोबल के बारे
अलीगढ़ में आता हूं, अलीगढ़ ताला की नगरी कही जाती है। अलीगढ़ अपने हार्डवेयर के कार्य के लिए देश के अंदर विख्यात है। कभी ताला लगाने का काम अलीगढ़ कंपनी ने ही, और आज देश के अंदर रक्षा उत्पादन में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण रोड आपके इसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है, और यह उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो कभी आपके पूर्वजों ने यहां पर स्थापित किया। वही परंपरा आगे बढ़ रही है, उसी व्यवस्था को एक नई गति देने का प्रयास आज प्रारंभ हुआ है, और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। इसके माध्यम से 3 करोड़ लोग सीधे सीधे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के साथ उत्तर प्रदेश और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं पीएम विश्वकर्मा की योजना हो या प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर कन्या सुमंगला की योजना, प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा योजना की कार्रवाई हो या फिर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके समाज में व्यवस्था के साथ प्रगति के साथ सहभागी बनाने का कार्यक्रम, ये सभी उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता हमारी सरकार के समाज के उन तमाम तबकों को जो आजादी के बाद से वंचित थे, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें छुआ। इससे पहले मुसहर के लिए, थारू के लिए, अहिल्या के लिए, चाउ चेको के लिए या फिर बुक्सा के लिए शासन की योजनाएं नहीं थी। उन्हें बनतांगा के लिए शासन की कोई योजना नहीं आ पाती थी। आज उन्हें प्रसन्नता है, इनमें से अधिकतर जातियों को केंद्र और राज्य सरकार की 100% योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है, और उन्हें 100% आच्छादित करने के लिए हर वंचित तबके को, हर दलित तबके को शासन की 100% योजना से आच्छादित करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही आज सरकार ने भगवान वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर यह भी तय किया। आप देखते होंगे जब वाल्मीकि की जयंती होती है, सरकार एक कार्य जरूर करती है कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ करा करके अखंड रामायण के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापन है उन ऋषियों के प्रति, उन संतों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने समाज के एकीकरण के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का सरकार का एक प्रयास है, और सरकार के साथ जब संगठन और समाज एक साथ जुड़ता है तो भाइयों बहनों इसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज सरकार की यही योजना है जिन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 3.25 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आज शासन की इन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 55 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध हो गया। आज इसी का परिणाम है 1 लाख से अधिक घरों में, 1 लाख से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, और 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में बिजली देने का काम।
दिसंबर 2023 पर उत्तर प्रदेश में 1,25,00,000 ऐसे परिवार हैं जो गांव में जहां बसे हैं उन लोगों को वहां पर जमीन का पट्टा उनके नाम पर नहीं, और एक डबल इंजन की सरकार पीएम स्वामित्व योजना में इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है कि जो जहां पर बसा है उसको वहीं पर जमीन का पट्टा देने का कार्य डबल इंजन की सरकार करने जा रही है या व्यवस्था की सरकार उस पर लागू करने जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के छात्रावास के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर के व्यवस्था बनाने जा रही है कि सभी छात्रों को यह सुविधा प्राप्त हो और छात्रावास की व्यवस्था भी बेहतर हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन छात्रों को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके इसके लिए अनेक कार्यक्रम आगे बनाए जा रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था उसी श्रृंखला का हिस्सा है। भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना और बैंक की ब्रांच को अनुसूचित जाति या महिला लाभार्थी में से किसी एक एक व्यक्ति को जरूर वहां पर बैंक से लोन की सुविधा के साथ जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के अनेक द्वार खुलते हैं और उसके रास्ते निकलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उसके रास्ते निकलते हैं। विश्वकर्मा श्रम